हमारे चैनल लॉजिकल टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो केरला आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है नीली ब्रिंगदी केरम। जी हाँ दोस्तों, ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जो जिसमें कई सारे हर्ब जो है वो कोकोनट ऑयल में सोक्ड किए गए हैं। और ये केरला आयुर्वेदिक नीली ब्रिंगम केरम हेयर ऑयल जो है ये प्रमोट करता है आपके बालों की ग्रोथ को, साथ ही साथ डैंड्रफ से बचाता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें ताकि पूरी और बेहतर जानकारी आपको मिल सके। ये हेयर फॉलिकल के रूट्स को जड़ों से, हेयर फॉलिकल्स को जड़ों से मजबूत बनाता है, साथ ही साथ ये हेल्दी हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये समय से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसको सफ़ेद होने से भी बचाता है, साथ ही साथ बालों को मजबूत करता है और हेयर की ग्रोथ को मजबूत करता है और हेयर बढ़ने में भी मदद करता है, बालों को बढ़ने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार है। ये जिनके बालों में भी बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं समय से पहले, अगर सफ़ेद हो गए हो या बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हो, उसमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, सर में खुजली होती हो, दो मुँह बाल निकल रहे हो, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, साथ ही साथ इसमें एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी है, जो बालों में जो डैंड्रफ होता है उसको होने से रोकता है, उन्हें डैंड्रफ फ्री बनाता है, सिल्की सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। साथ ही साथ जो आदमियों में जो गंजापने की प्रॉब्लम होती है कि आगे से गंजे हो जाते हैं, पीछे से गंजे हो जाते हैं, ये उस प्रॉब्लम को हटा के बालों को जड़ से नए बाल निकलने में भी मदद करता है। और जो स्प्लिटेंड्स हो जाते हैं औरतों में ज़्यादातर, और महिलाओं के बालों में जो बाल दो मुहे हो जाते हैं, ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके बालों को प्रॉपर तरीके से लंबे स्ट्रॉन्ग बनाता है और वक्त से पहले बालों को सफ़ेद होने से भी बचाता है। ये एयर शाफ्ट्स को, यानी लास्ट के बाल जो दो मुहे होते हैं उसको होने से रोकता है, उसको मजबूत करता है, जिससे कि बाल दो मुहे ना हो। इसमें जो नीलिनी मिला हुआ है वे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रोकता है, साथ ही साथ बालों को मजबूत करता है, बाल बढ़ने में मदद करता है। जिनकी एज नहीं हुई है और समय से पहले उनके बाल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं उनके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। साथ ही साथ इसमें धात्री यानी कि आंवला जो मिला हुआ है, ये बालों को मजबूती देने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बालों के शाफ्ट्स को मजबूत करता है। ये बालों को टूटने से, स्प्लिटेंड होने से बचाता है, साथ ही साथ सेल में एक कूलिंग इफेक्ट देता है, खुजली वगैरह को ख़त्म करके। साथ ही साथ करनाश पोता जो इसमें मिला हुआ है, ये हेयर को डार्क बनाता है, मजबूत बनाता है, साथ ही साथ डैंड्रफ फ्री बनाता है। ये डैंड्रफ को पूरी तरह से ख़त्म करके बालों को साफ बनाता है। इसमें जो भृंगराज मिला हुआ है ये बालों को झड़ने से रोकता है, साथ ही साथ एंटी डैंड्रफ इसका इफेक्ट है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, साथ ही साथ ये जो आदमियों में गंजापन होता है उसको दूर करके बालों को मजबूत बनाता है, नए बाल उगाने में मदद होता है। इसको लगाने का तरीका है कि नहाने से पहले इस तेल को अपने स्कैल्प में, जड़ों में, बालों में अच्छे से धीरे धीरे अप्लाई कर लेना है। अगर प्रॉपर तरीके से आप धीरे धीरे इसकी मसाज करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होगा और नए बाल जल्द से जल्द उगेंगे और सारी प्रॉब्लम जितनी भी है बालों से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। इसका जैसा इस्तेमाल बताया गया वैसे ही करें और जब तक बताया गया तभी तक करें, एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करें। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसका इस्तेमाल दोबारा से पूछ के उस तरह से इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बालों को, नए बाल आपको उगा के देगा, बालों को सफ़ेद होने से बचाएगा, बालों को झड़ने से रोकता है, डैंड्रफ और फंगल प्रॉपर्टी को ख़त्म करता है, साथ ही साथ स्प्लिटेंड को ख़त्म करता है, नए बाल उगाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो इस केरला आयुर्वेदा पे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ध्यान रहे कि कोई भी प्रोडक्ट कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करें, तब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय, अपने सजेशन इस प्रोडक्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।